हेलो एवरीवन सोचो कि अगर आपकी किडनी खराब हो जाए तो क्या होगा आपकी बॉडी में से अगर वेस्ट रिमूव नहीं होगा तो क्या होगा क्या हम मर जाएंगे अरे ऑब्वियसली हम मर जाएंगे लेकिन उससे बचने का उपाय क्या है सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला और मैं आपको वेलकम क्यों कर रही हूँ बिकॉज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपकी किडनी खराब हो जाती है तो आपको क्या करना है और आप कैसे बच सकते हैं सो so, अगर आपकी किडनी खराब हो जाए तो हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ेगा तो सबसे पहले तो यही चीज ना कि किडनी खराब हो गई तो क्या हो गया एक किडनी खराब होगी दूसरी काम कर लेगी अरे दूसरी तो कर लेगी लेकिन अगर दोनों किडनी खराब होगी तो क्या करेंगे भाई किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करवा लेंगे अरे कैसे करवाओगे अगर कोई सेलर मिला ही नहीं कोई उसको सेल करने वाला नहीं मिला तो कहाँ से लेके आओगे तो फिर क्या करोगे सी होता क्या है कि जब भी आपकी किडनी जो है खराब हो जाती है भाई किडनी का मेन काम क्या है ब्लड को फिल्टर करना ब्लड को फिल्टर करेगा और यूरिन फॉर्मेशन करके उसको बॉडी में से रिमूव कर देगा अब अगर आपका ब्लड फिल्टर नहीं होगा मतलब कि बहुत सारी इंप्योरिटीज उसके अंदर है अगर बहुत सारी इंप्योरिटीज है मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर क्या जनरेट हो रहा है टॉक्सिन बन रहे टॉक्सिन का प्रोडक्शन हो रहा है धीरे धीरे हो सकता है पॉइजन बनने लग जाए और उसके बाद हो सकता है कि आपकी डेथ हो जाए लेकिन उस सिचुएशन से बचने के लिए हमें क्या करना होता है तो हमें हमारी किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करवा देना होता है या तो हम ये कर सकते हैं हम आर्टिफिशियल किडनी लगा ले किडनी सपोज खराब हो गई हमारी तो एक प्रोसीजर आता है हमारी बॉडी में से वेस्ट को रिमूव करने का एक तो वो प्रोसीजर हो सकता है दूसरा हो सकता है हम किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते चलो ठीक है मैंने क्या किया मेरी किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करवा लिया मेरी एक किडनी खराब हुई थी मैंने किडनी को क्या क्या किया ट्रांसप्लांट करवा लिया मतलब उस किडनी को निकलवा दिया और दूसरी किडनी को लगा दिया सिंपल बहुत इजी है अरे बहुत इजी दिख रहा है बट बहुत इजी है नहीं है किसी को पूछो कि आपकी किडनी निकलवा कि निकलवा के हम चेंज करवा रहे तो बोलेगा नहीं 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 यहाँ से काटना नहीं है तो फ्रेंड्स को बोल देते हो ना कई बार मजाक में यार ठीक है तेरी किडनी बेच के आईफोन ले लेते अरे वो उसको ये तो सोचो वो रहेगा कैसे एक किडनी होगी तो आधा काम होगा ना उसका सपोज अगर एक किडनी है दो किडनी है दो तो पूरी बॉडी का सारा ब्लड फिल्टर हो रहा है एक किडनी होगी तो क्या काम थोड़ा कम नहीं हो जाएगा ऑब्वियसली हो ही जाएगा एक तो दो लोग काम करते हैं और एक एक पर्सन काम कर रहा है हो सकता है ना कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ इंप्योरिटीज रह जाए और वो धीरे 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 आपको इफेक्ट करे बट स्टिल जब तक कि एक किडनी है तब तक कोई भी पर्सन जो है वो इजीली जिंदा रह सकता है वो अपना काम कर सकता है लेकिन अगर उसकी दोनों किडनी खराब हो जाती है तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है ट्रांसप्लांटेशन का अगर ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो पाता है सपोज अगर आपको पता चल गया है कि हाँ मेरी दोनों किडनी खराब हो गई है तो आप टू थ्री डेज में मर जाओगे लेकिन अगर उससे पहले आपको कोई आ, सेला मिल जाता है किडनी का तो आप उससे क्या करोगे बाय कर लोगे किडनी और अपना ट्रांसप्लांट करवा लोगे किडनी चेंज हो गई आपकी अब किडनी चेंज हो गई तो क्या हुआ सही वाली किडनी लगी है मतलब आपकी बॉडी के अंदर अब पूरा ब्लड जो है फिर से फिल्टर होने लगेगा और आप जो है वो प्रॉपर रहेंगे आप सही हो जाएंगे बट अगर ऐसा नहीं हुआ सपोज अगर सेलर नहीं मिला आप किडनी के लिए घूम तो रहे हैं लेकिन आपको कोई किडनी बेचने वाला नहीं मिला तो खरीदोगे कहाँ से तो अगर किडनी नहीं होती है इन केस ऑफ कि आपके पास किडनी नहीं है अब आप क्या करेंगे किसके पास जाएंगे तो जाना कहीं नहीं है हॉस्पिटल में ही रहना है आपको उसके बाद तो ये मान लो पूरा हॉस्पिटल में ही आपका जीवन बीतने वाला है या एक ऐसा रूम जिसके अंदर आपके पास आपका क्या होगा पूरे दिन आपकी बॉडी का जो ब्लड है वो बाहर आएगा फिर अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा फिर अंदर जाएगा आप सोचो मैम मैम अगर ब्लड बाहर चला गया तो क्या हम जिंदा रहेंगे अरे थोड़ा थोड़ा ब्लड जाएगा वो फिल्टर होगा वापस अंदर आएगा फिर ओ, जो इम्प्योरिटीज वाला ब्लड होगा वो बाहर जाएगा फिर अंदर आ जाएगा आपका सही ब्लड इस प्रोसेस को बोलता है डायलिसिस कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना कि यार बॉडी में से ब्लड बाहर आ रहा है फिर अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा फिर अंदर जाएगा कैसे पॉसिबल है अरे तो बिल्कुल पॉसिबल है हम ट्वेंटी सेंचुरी में रह रहे हैं तो सब कुछ पॉसिबल है भाई यहाँ पे सब पॉसिबल होता है कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता जो इम्पॉसिबल है ना वो खुद बोलता है अरे भाई मैं पॉसिबल हूँ सोचो तो सही कैसे करना है तो सब कुछ पॉसिबल होता है आर्टिफिशियल किडनी या हम बोल सकते हैं डायलिसिस ये कौन सा प्रोसेस है सो डायलिसिस इज अ प्रोसीजर

एंड आपके ब्लड को प्योर करके आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है सो so, कैसे हुआ क्या होगा चलिए मैं आपको एक पिक्चर से समझाती हूँ इसको कि ये किडनी जो है किस तरह ये आर्टिफिशियल किडनी किस तरह से वर्क करती है और ये डायलिसिस या फिर इसको बोल सकते हैं हीमो डायलिसिस कैसे काम करता है तो देखो एक पर्सन जो सो रहा है अब ये सो रहा है और उसको देख के लग रहा होगा कि यार ये चलो ठीक है आधे घंटे का काम है हो जाएगा अरे आधे घंटे का काम नहीं होता है ब्लड जो है हमारी बॉडी का पूरे टाइम उसको फिल्टर करना होता है पूरे टाइम फिल्टर जो है वो किडनी कर सकती है आपकी लेकिन अगर किडनी नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा एक स्पेशल टाइप ऑफ कंटेनर बनाना पड़ेगा जो एज किडनी आपके लिए काम करेगा अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है तो ये देखो ये पर्सन जो लेटा हुआ है इसके पास इतने सारे ये चीजें देखो ये काम कर रही है अब ये सब क्या कर रही है तो ये एक किडनी की तरह काम करेगी और आपके ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रही है देखो क्या हुआ इसकी किडनी खराब हो चुकी है जो पर्सन है इनके आ, इन अंकल की ना किडनी खराब हो चुकी है दोनों किडनियाँ खराब हो गई है अब किडनी खराब हो गई है तो इनको रहना भी कैसे जिंदा कैसे रहेंगे तो भाई बॉडी का जब ब्लड प्योर नहीं होगा तो कैसे रह पाएंगे इसलिए क्या हुआ देखो इनका ना यहाँ से एक आर्ट्री से इस ऑपरे तक पहुंचाने के लिए एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर को डाल दिया गया जैसे हमारी ड्रिप चढ़ती है तो इंजेक्शन से डालते हैं उसके बाद ड्रिप चढ़ाई जाती है ना सेम वैसे ही एक इंजेक्शन लगाया कहाँ लगाया आर्ट्री में लगाया कहाँ लगाएंगे आर्टरी में लगाया गया आर्टरी में लगाने के बाद में आर्टरी में लगाने के बाद देखो यहाँ से ये यह ब्लड गया ये ब्लड गया बाहर यहाँ पे ये ब्लड पंप होगा ये ब्लड पंप होने के बाद में यहाँ इस पंप होने के बाद में यहाँ से ये यह ब्लड आएगा इस कंटेनर के अंदर ये जो कंटेनर है ये एज किडनी काम कर रहा है अभी यहाँ से ब्लड आ गया ठीक है उसके बाद जो ये है ये एज किडनी काम करेगा सपोज ये मान लो कि ये किडनी है किडनी का काम क्या होता है स्ट्रेनर टाइप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्लड को फिल्टर किया जाता है ठीक है तो ये जो है आपका ये जो कंटेनर बना हुआ है ये भी ऐसे ही काम करेगा कि आपके ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगा इन अंकल के ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगा तो देखो क्या हुआ यहाँ पर ये ब्लड अंदर आ गया अंदर आने के बाद देखो ये जो पाइप्स बने हुए हैं ये ऐसे नहीं बने हुए ऐसे बने हुए है क्या इस तरह से बने हुए है क्या बिल्कुल भी नहीं इस तरह से तो बिल्कुल नहीं बने हुए तो ये किस तरह से बने हुए है ये पाइप तो ये पाइप बने हुए है आपके ये पाइप बना हुआ है देखो ये बना है फिर ये बना है और साथ के अंदर देखो क्या हुआ यहाँ से ये कनेक्टेड है इधर से कहीं कनेक्टेड है फिर ये देखो ये सारे के सारे पाइप यहाँ से कनेक्टेड है फिर बीच में इसको छोड़ दिया इसको कनेक्ट कर दिया था यहाँ छोड़ दिया और उसके बाद फिर नेक्स्ट को कनेक्ट कर दिया फिर ये और नेक्स्ट को कनेक्ट कर दिया ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है ना हाँ ऐसा इस स्ट्रक्चर है तो ये जो आपके पाइप्स है ना ये जो बहुत सारी ट्यूब्स लगा रखी है ये जो इतनी सारी ट्यूब्स है ये क्या कर रही है ये सेमी परमिबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क कर रही है ये जो ट्यूब्स है सेमी परमिबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क कर रही है मतलब अगर इनको लग रहा है कि अच्छा इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो उसमें से ले लेगी लेकिन जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो उसको बाहर फेंक देगी इस स्ट्रक्चर को इसी तरह से बनाया गया है कि ये जो ट्यूब का जो ये वॉल है ये सेमी परमिबल मेम्ब्रेन है जो क्या करेगी ब्लड के अंदर से जितनी भी इम्प्योरिटीज है उसको उसमें से रिमूव करती जाएगी बाहर फेंकती जाएगी भाई हमारा काम भी तो यही है किडनी का काम यही है तो इसको भी तो हमने यही कहा कि किडनी की तरह काम कर रही है मतलब कि ब्लड के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज होगी ये उसको बाहर फेंकेगी अब जितनी इम्प्योरिटीज है उसको बाहर फेंक रही है तो देखो क्या होगा ये इस कंटेनर के अंदर यहाँ इस वैसल मैसेज इस ट्यूब मैसेज जैसे ही कोई इंप्योरिटीज बाहर आएंगी तो वो कहाँ चली जाएंगी तो वो इंप्योरिटीज जाएंगी इस ब्लू वाले स्ट्रक्चर के पास में कौन सा ब्लू वाला स्ट्रक्चर भाई ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना ये यहाँ पर चली जाएंगे सारी इंप्योरिटीज यहाँ ऐसे चली गई अब ये ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर क्या है तो ये ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर जो है ये डायलाइसिस सोल्यूशन है फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन है ये डायलाइजिंग सोल्यूशन है वो सोल्यूशन पूरा का पूरा वो बार बार कंटिन्यूसली वो सोल्यूशन के अंदर जाएगा इस कंटेनर के अंदर जा रहा है जिस कंटेनर के अंदर बहुत सारी डक लाइक स्ट्रक्चर काम कर रही है उसके अंदर वो गया डायलाइजिंग सोल्यूशन उस सोल्यूशन के बाद में क्या होगा जितनी भी ये ट्यूब्स है ये ट्यूब्स क्या कर रही है सेमी परमिबल मैमब्रेन की तरह वर्क कर रही है मतलब कि जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी उनको वो बाहर कर देंगी अब जब इम्प्योरिटीज बाहर हुई तो कहाँ चली गई जो ये डायलाइजिंग सोल्यूशन जो इसके अंदर फिल था इसके अंदर चली गई तो क्या ये सोल्यूशन अभी प्योर है बिल्कुल नहीं है जब ये सोल्यूशन प्योर नहीं है तो मतलब क्या होगा इस सोल्यूशन को भी यहाँ से बार बार रिमूव करना पड़ेगा तो ये सोल्यूशन भी यहाँ से निकल के दूसरे किसी कंटेनर में आ जाएगा जो यूज़ हो चुका है जो डायलाइजिंग सोल्यूशन यूज हो चुका है जिसके अंदर अभी यूरिया है यूरिक एसिड है सॉल्ट है एक्सेस वाटर है पूरा का पूरा ये सोल्यूशन मिलकर कहाँ चला जाएगा एक नेक्स्ट कंटेनर जो हम पास में इसमें रखेंगे बॉटल लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर चला जाएगा फिर ये नया डायलाइजिंग सोल्यूशन जाएगा इसके अंदर फिर वो इम्प्योर हो जाएगा फिर वो इसमें चला गया क्लियर उसके बाद जो ब्लड होगा वो ब्लड प्योर हो चुका है तो ब्लड जो प्योर हो चुका है उस ब्लड को फिर से हम बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देंगे और ये बॉडी के अंदर ट्रांसफर में से करेंगे वीन में से करेंगे हमने ब्लड को निकाला में से था आर्टरी में से डालेंगे कहाँ हम वीन के अंदर ठीक है डॉक्टर जब इसके अंदर इंजेक्शन लगा के उस पाइप को जोड़ेगा ना आपकी बॉडी में से मतलब इन अंकल की बॉडी में अगर ये जोड़ रहा है तो इन्होंने क्या किया है आर्टरी के अंदर से तो ब्लड को निकाला है और वीन के थ्रू ब्लड को बॉडी के अंदर फिर से भेजा है आर्टरी के अंदर से ब्लड निकालने के बाद क्या किया इस ब्लड निकालने के बाद ब्लड को पंप किया पंप करने के बाद किस में किसमें आ गया ये जो किडनी जैसा स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ था उसके अंदर ये ब्लड आ गया सेमी परमेबल मैम्रेन की वॉल थी सारी ट्यूब्स के अंदर जिसमें सारी इम्प्योरिटीज बाहर आ गई इम्प्योरिटीज बाहर आके कहा चली गई डायलाइजिंग सोल्यूशन में क्या इसके अंदर गई अरे नहीं बाबा ये वाला सोल्यूशन जो इसके अंदर आ रहा है ना ब्लू कलर का उसके अंदर चली गई ये सोल्यूशन जब इम्प्योर हो जाएगा तो ये सोल्यूशन फिर इसके अंदर आ जाएगा और जैसे ये ब्लड प्योर हो गया ब्लड प्योर होते ही फिर से वीन के थ्रू ये बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा ठीक है ये प्रोसेस होता है डायलाइसिस का इन केस ऑफ की अगर आपकी दोनों किडनी खराब हो जाती है तो अगर एक किडनी खराब हो जाए तो डायलाइसिस के लिए मत चले जाना कि आपकी एक किडनी है आप इजीली वर्क कर सकते हो और अगर ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है तो वेल एंड गुड और अगर नहीं होता है तो फिर डायलिसिस इज द प्रोसेस जिससे कि आप बच सकते हैं जिससे कोई भी पर्सन जो है वो जिंदा रह सकता है लेकिन कंटिन्यूसली उसका ब्लड जो है वो फिल्टर होकर उसकी बॉडी के अंदर डाला जाता है चलिए सो आई होप कि आपको ये हिमोडायलिसिस का प्रोसेस समझ में आ गया होगा इट अ आर्टिफिशियल किडनी भाई इसको आर्टिफिशियल किडनी क्यों कहते हैं? नॉर्मल तो है नहीं नेचुरल होती तो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती काट के उसको निकाला नहीं, नहीं जाता लेकिन ये आर्टिफिशियल है बिकॉज ये नेचुरल नहीं है और ये हमने बनाया है ये ह्यूमन बींग्स ने बनाया है पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था ना ये पूरा का पूरा ह्यूमन बींग्स ने बनाया है सो so, अब हमने पढ़ लिया पूरा का पूरा जो आपका एक्सप्रेशन सिस्टम था एक्सप्रेटरी सिस्टम था अगर वो खराब हो जाए तो क्या होगा और ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डील विद द एक्सप्रेटरी सिस्टम ऑफ प्लांट्स प्लांट्स के बारे में पढ़ना है कि एक्सप्रिटरी सिस्टम क्या होता है उसके अंदर अगर नहीं होता है तो किस तरह से होता है उनका एक्सप्रेशन थैंक यू सो मच